राम मंदिर अयोध्या में राम जन्मभूमि के स्थान पर बनाया जा रहा एक हिंदू मंदिर है, जहां रामायण के अनुसार हिंदू धर्म के प्रमुख देवता भगवान श्री राम का जन्म स्थान है। मंदिर निर्माण की परियोजना श्री राम जन्मभूमि तीर्थ यात्रा कर रहा है। 5 अगस्त 2020 को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा भूमि पूजन अनुष्ठान किया गया था और मंदिर का निर्माण आरम्भ हुआ था। श्री हरि विष्णु एक अवतार माने जाने वाले श्री राम व्यापक रूप से पूजे जाने वाले हिंदू राजा है। प्राचीन भारतीय महाकाव्य रामायण के अनुसार राम का जन्म अयोध्या में हुआ था। इसे राम जन्मभूमि या राम की जन्मभूमि के रूप में जाना जाता है। 15वीं शताब्दी में मुगलों ने राम जन्मभूमि पर एक मस्जिद बाबरी मस्जिद का निर्माण किया। हिंदुओं का मानना है कि मस्जिद का निर्माण एक हिंदू मंदिर को खंडित करने के बाद किया गया था। यह 1850 के दशक में ही था जब विवाद हिंसक रूप से सामने आया था। विश्व हिंदू परिषद ने घोषणा की थी कि यह इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ द्वारा रोकने के आदेश दिए जाने से पहले विवादित क्षेत्रों पर मंदिर की आधारशिला रखेगी। विहित ने तब उन पर श्री राम लिखी धनराशि और ईंट एकत्रित की। बाद में राजीव गांधी मंत्रालय ने BHP को सिंहासन की अनुमति दे दी। तत्कालीन गृह मंत्री बूटा सिंह ने तत्कालीन BHP नेता अशोक सिंघाल को अनुमति दे दी। पालम में केंद्र और राज्य सरकारें विवादित स्थल के बाहर शिलान्यास के आयोजन पर सहमत हुई थी। हालांकि 9 नवंबर 1999 के विहिम नेताओं और साधुओं के एक समूह ने विवादित भूमि पर 7 फुट गड्ढे खोदकर आधारशिला रखी। सिहार स्थापित किया गया था। कामेश्वर चौपल पत्थर बिछाने वाले पहले लोगों में से एक बने। विवाद का हिंसक रूप दिसंबर 1992 में बढ़ गया जब बाबरी मस्जिद का विश्वास हुआ। विविध शिक्षक और कानूनी विवाद भी हुआ, जैसे कि अयोध्या प्रदेश 1993 में निश्चित क्षेत्र के अधिग्रहण का मार्ग 2019 अयोध्या विवाद पर उच्च न्यायालय का निर्णय लिया गया था। केवल विवादित भूमि को सरकार द्वारा गठित एक ट्रस्ट को सौंपा दिया जाए। गठित ट्रस्ट श्री राम जन्मभूमि तीर्थ यात्रा का 5 फरवरी 2020 को संसद में घोषणा की गई थी। द्वितीय मोदी मंत्रालय ने मंदिर निर्माण की एक योजना को स्वीकार कर लिया है। रामलला मंदिर के देवता 1999 के बाद से विवाद के अदालती मामले में मुकदमेबाज थे। उनका प्रतिनिधित्व विहिप के वरिष्ठ नेता त्रिलोकीनाथ पांडे ने किया, जिन्हें रामलला का अगला मानव मित्र माना जाता था। राम मंदिर के लिए मूल डिजाइन 1988 में अहमदाबाद के सोमपुर परिवार द्वारा तैयार किया गया था। सोमपुर कम से कम 15 पीढ़ियों से दुनिया भर के 100 से अधिक मंदिर के डिजाइन का हिस्सा रहा है। राम मंदिर के लिए एक नया डिजाइन मूल डिजाइन के कुछ बदलाव के साथ 2020 में सोमपुरवासियों द्वारा तैयार किया गया था। मंदिर 235 फीट चौड़ा, 360 फीट लंबा और 161 फीट ऊंचा होगा। मंदिर के मुख्य वास्तुकार चंद्रकांत सोमपुर के साथ उनके 2 बेटे निखिल सोमपुर और आशीष सोमपुर भी है, जो आर्किटेक्ट भी है। सोमपुर परिवार ने राम मंदिर को नगर शैली की वस्तुकला में बनाया है, जो भारतीय मंदिर वस्तुकला के प्रकारों में से एक है। मंदिर परिसर में एक प्रार्थना कक्ष होगा, एक वैदिक पाठशाला होगा एवं संत निवास और एक यति निवास होगा और संग्रहालय और अन्य। एक बार पूरे होने के बाद मंदिर परिसर दुनिया का 3रा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर होगा। प्रस्तावित मंदिर का एक मॉडल 2019 में प्रयाग कुंभ मेले के दौरान प्रदर्शित किया गया था। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने मार्च 2020 में राम मंदिर का निर्माण का पहला चरण शुरू किया। हालांकि भारत में कोविड-19 महामारी लॉकडाउन के बाद 2020 चीन भारत झड़पों ने निर्माण की अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया। निर्माण स्थल के समतलन और खुदाई के दौरान एक शिवलिंग कंबे और टूटी हुई मूर्तियां मिली। 25 मार्च 2020 को भगवान राम की मूर्ति को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में एक स्थापित स्थान पर ले जाया गया। इसके निर्माण की तैयारी में विश्व हिंदू परिषद ने एक विजय महामंत्र जप अनुष्ठान का आयोजन किया, जिसमें 6 अप्रैल 2020 को विजय महामंत्र श्री राम जय राम जय राम का जप करने के लिए अलग अलग स्थानों पर लोग एकत्रित हो गए। यह मंदिर को निर्माण में बाधाओं पर विजय सुनिश्चित करने के लिए कहा गया था।